अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू दुबई व्लॉग्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो में भी मैं आपके साथ दुबई की कुछ फेमस टूरिस्ट प्लेसेस शेयर करूंगी, बट सबसे पहले आज हम कहाँ जा रहे हैं? आज हम आए हैं बुर्ज खलीफा के बिल्कुल सामने वाले रेस्टोरेंट में डिनर करने। और जब मैं लास्ट टाइम दुबई मॉल आई थी तो मैंने उसी टाइम डिसाइड कर लिया था कि मैं एक दिन यहाँ पर ज़रूर आऊँगी यहाँ पर डिनर करने। जब से हम दुबई आए थे, दुबई में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी, लेकिन आज यहाँ का मौसम बहुत अच्छा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी और इस बारिश के साथ बुर्ज खलीफा का व्यू और भी खूबसूरत लग रहा था। अगर आप बुर्ज खलीफा के सामने वाले रेस्टोरेंट्स में डिनर करना चाहते हैं तो दुबई मॉल में भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन हैं, लेकिन हम लोगों ने आज जाना है सूक अल बहार। सूक अल बहार में जो बुर्ज खलीफा के सामने रेस्टोरेंट्स हैं, वहाँ पे आपको डिनर करने के लिए पहले से बुकिंग करवानी पड़ती है। हमने कल की बुकिंग करवाई थी, लेकिन क्योंकि आज मौसम बहुत अच्छा था इसलिए हम आज ही आ गए हैं और देखते हैं हमें यहाँ पे जगह मिलती है या नहीं। लेकिन हल्की हल्की बारिश के साथ और इस फाउंटेन शो में बुर्ज खलीफा का व्यू बहुत खूबसूरत लग रहा था। सूक अल बहार एक मॉडर्न स्टाइल मॉल है जिसमें एंटीक कारपेट्स और लाइफस्टाइल स्टोर्स हैं और वाटरफ्रंट के ये बिल्कुल सामने हैं, इसलिए ये बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे शॉपिंग करने नहीं बल्कि यहाँ के एक रेस्टोरेंट अब्दुल वहाब, जो कि लेबनीज रेस्टोरेंट है, यहाँ पर डिनर के लिए आए हैं। तो आज हम लोग जा रहे हैं यहाँ का फेमस शवरमा खाने। वैसे तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पे अच्छा शवरमा मिलता है, लेकिन जिस रेस्टोरेंट में हम आज जा रहे हैं वहाँ की मैंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी हुई और पहले से कुछ रेस्टोरेंट्स की मैंने सर्चेस की हुई थी, क्योंकि हमें बिल्कुल आइडिया नहीं है कि दुबई में किस तरह का खाना मिलता है। यहाँ पर हम लोग रुके हैं अलमल्ला शवरमा बाय करने के लिए। मुझे चिकन शवरमा बहुत पसंद है और रियाद में भी हमने जब भी बाहर डिनर करना हो तो मेरी पर्सनल चॉइस यही होती है कि हम शवरमा खाएं। तो यहाँ का शवरमा रियाद के शवरमा से तो बेस्ट नहीं कह सकती, लेकिन काफ़ी अच्छा था और क्वांटिटी में काफ़ी ज़्यादा था, तो इसलिए और प्राइस भी इसकी नॉर्मल ही थी। हम लोग जब होटल से निकले थे तो तब बिल्कुल कोई बारिश के आसार नहीं थे, लेकिन अभी काफ़ी ज़्यादा काले बादल आ चुके हैं और आजकल दुबई में काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो रही है। मौसम बहुत खूबसूरत है यहाँ पे। दुबई की शेख जायद रोड मेरी फेवरेट रोड बन चुकी है और जब भी हम अपने होटल से आते हैं तो मैं अपने हस्बैंड से यही कहती हूँ कि मुझे उसी रोड पे जाना है यहाँ पे आके ड्राइव करने का, और इस बारिश के मौसम में यहाँ पे ड्राइव करने का और भी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और दुबई में मेरा क्वारंटीन कितने टाइम का रह गया है और अभी मुझे कितने और दिन यहाँ पर रहना है? मैं क्योंकि यहाँ पर 14 डेज़ क्वारंटीन के लिए आई थी और नेक्स्ट डे से ही आप होटल से बाहर निकल के अपना इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि आपका कोविड नेगेटिव आ चुका होता है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे अपना स्टे एक्सटेंड करवा लिया था और यहाँ पे हम 18 डेज़ के लिए अब रुकेंगे और उसके बाद हम बॉर्डर क्रॉस करेंगे। और बॉर्डर क्रॉसिंग के टाइम जो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और मेरा क्या एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपके साथ सब शेयर करूँगी।
और आज हम लोग आए हैं दी पॉइंट, जो कि एटलांटिस दी पाम होटल के बिल्कुल सामने एक पॉइंट ऐसा बनाया है। बीच भी है वहाँ पे, कैफेज रेस्टोरेंट्स भी हैं, और वहाँ से आपको बहुत अच्छा एटलांटिस दी पाम होटल का व्यू मिलेगा। और ये 5-स्टार होटल है, दुबई का बहुत लग्जरी होटल है। और इसके पास जो ये सारा रेजिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे काफ़ी फेमस सेलिब्रिटीज़ की भी प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे शाहरुख खान, अभिषेक बच्चन। मुझे बहुत खूबसूरत लग रही थी, बहुत नीट एंड क्लीन। लेकिन अगर आप एटलांटिस दी पाम का फुल व्यू एंजॉय करना चाहते हैं तो आपको दी पॉइंट जाना चाहिए। और ये जो ब्रिज साथ गुजर रहा है, ये मोनोरेल डायरेक्ट एटलांटिस दी पाम के गेटवे तक जाती है। गाड़ी हमने पार्किंग में पार्क कर दी है, और यहाँ की पार्किंग बाकी दुबई की पार्किंग से थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आप 3 आवर्स के लिए अपनी पार्किंग फ्री कर सकते हैं। ये बिल्कुल सामने न्यू एटलांटिस होटल बन रहा है, और ये है ओल्ड एटलांटिस। और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही पीसफुल सी जगह थी, और एटलांटिस का बहुत ही अच्छा सा व्यू यहाँ से हमें नज़र आ रहा था। पहले हम ये सारा एक्सप्लोर करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे किसी कैफ़े में बैठ के अच्छी सी कॉफ़ी पियेंगे। काफ़ी ज़्यादा अच्छे रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज़ भी हैं। टोटल यहाँ पे 90 कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स हैं, जिसमें आप डाइन इन कर सकते हैं। और मैं आपको इसका नाइट व्यू भी दिखाऊंगी। बेसिकली ये एक पॉइंट बनाया है जहाँ से एटलांटिस होटल का बहुत ही परफेक्ट व्यू नज़र आता है, और लोग यहाँ पे वीडियोस बनाते हैं, अपनी पिक्चर्स बनाते हैं इंस्टाग्राम के लिए। और आज मौसम काफ़ी ज़्यादा विंडी था, और हम लोग भी बस यही कुछ कर रहे थे, पिक्चर्स वगैरह बना रहे थे। और अभी हम आ गए हैं यहाँ पे और कुछ चीज़ें एक्सप्लोर करने, और यहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह भी हैं जहाँ से आप दुबई के सुवेनियर्स ऑफ कोर्स बाय कर सकते हैं, यहाँ के डेकोरेशन पीसेस, कुछ बैग्स वगैरह। अभी इस टाइम यहाँ पे इतने ज़्यादा लोग नहीं थे, इसलिए हमें एक ऐसा कैफ़े मिल गया जहाँ का बिल्कुल ही परफेक्ट व्यू था एटलांटिस का। और यहाँ पे अभी हम कॉफ़ी ऑर्डर करेंगे, और अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपने अपनी पार्किंग फ्री करनी है तो यहाँ पे किसी भी रेस्टोरेंट में आप 100 dirhams तक कुछ भी वहाँ का बाय करें, फूड ऑर्डर करें, कॉफ़ी इंजॉय करें, तो आपकी पार्किंग 3 आवर्स के लिए फ्री हो जाएगी। अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, यहाँ पे फाउंटेन शो होना है, जो कि एक दुबई मॉल में होता है और एक यहाँ पे दी पॉइंट पे होता है। Yeah.
हमने 1 से 2 घंटे वहाँ बैठकर फाउंटेन शो का इंतज़ार किया और वहाँ पे फाउंटेन शो होना भी था, लेकिन उस टाइम तक वहाँ पे बहुत ज़्यादा बादल आ गए और बहुत ही विंडी हो गया। इस वजह से वो फाउंटेन शो कैंसिल हो गया और हम क्योंकि द पॉइंट दोबारा भी नहीं आ सकते थे, तो हमें बहुत ज़्यादा दुख हुआ क्योंकि ये फाउंटेन शो द वर्ल्ड लार्जेस्ट फाउंटेन शो और हम ये ज़रूर देखना चाहते थे। तो बस इसलिए उसके बाद हम यहाँ पर आ गए हैं डिनर के लिए, और ये वही कैफ़े है जहाँ से हमने कॉफ़ी बाय की थी। और डिनर में हमने यहाँ पे एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का सैंडविच ऑर्डर किया था, और इस कैफ़े में शुगर फ्री डेजर्ट्स और यहाँ पे ऑर्गेनिक कॉफ़ी भी मिलती है, और यहाँ का बेस्ट व्यू था। द पॉइंट एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, बस हमें यहाँ पे एक अफसोस है कि हम यहाँ का फाउंटेन शो नहीं देख सके, लेकिन बाकी इस जगह में हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। और अगर आप दुबई आएँ और एटलांटिस होटल नहीं जाना चाहते और उसका व्यू इन्जॉय करना चाहते हैं, तो आप द पॉइंट आएँ। यहाँ के कैफ़ेज़, यहाँ के रेस्टोरेंट्स बहुत अच्छे हैं, और आज दुबई में फ़र्स्ट टाइम मुझे बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, इसलिए अभी हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। आई होप कि आपने मेरी वीडियो को इन्जॉय किया होगा। दुबई में अब बस कुछ ही दिन रह गए हैं और उसके बाद कोविड टेस्ट के बाद बॉर्डर क्रॉसिंग होगी। सो स्टे ट्यून टू माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।